हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं, आज जो हम बात करेंगे दैट इज यूनिक फीचर ऑफ जीडीसी प्राइम। क्या है वो? दैट इज रेस, डेली प्रैक्टिस पेपर फॉर जीपैट 23 एंड 24। इस यूनिक फीचर में हम क्या देखेंगे कि जो भी आप डेली जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सेम डे आप सॉल्व करोगे तो बहुत सारे डाउट्स तो आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, जो भी चांस है आपकी चीजों को भूलने के वो क्या होंगे, मिनिमाइज होंगे, और उसी में विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन के आंसर्स देखने को मिलेंगे। दैट इज यूनिक फीचर ऑफ जीडीसी प्राइम। सो डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर दिस, एंड दिस इज ए डेमो फॉर्मेट फॉर फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। तो चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्या क्या हमारे सिलेबस कवर होंगे इसमें। तो चलिए हम पहले सिलेबस देख लेते हैं, लाइक कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन कौन से हमारे यूनिट्स हैं। सो फर्स्ट यूनिट इज प्री फॉर्मुलेशन, जिसमें हम सारे प्री फॉर्मुलेशन से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, लाइक आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें। देन डोजेस फॉर्म, नेक्स्ट आपका क्या है डोजेस फॉर्म। थर्ड आपका आता है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जो कि आपका कवर होगा डीपीपी 5th, 6th एंड 7th में। देन नेक्स्ट वन इज सेमी सॉलिड्स, देन फर्दर सपोजिटरीज, देन टैबलेट विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, एंड नेक्स्ट वन इज कैप्सूल, एंड नेक्स्ट माइक्रो इनकैप्सुलेशन, फर्दर स्टरलाइजेशन, पेरेंटल प्रोडक्ट, ओके, देन आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, एरोसोल्स, देन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जहां पे आपको जितने भी आपके लिपोसोम्स वगैरह हैं, न्यूसोम्स हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, एंड नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देन पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल की क्या कैसी पैकेजिंग है, कैसी पैकेजिंग होनी चाहिए, उनके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, दैट इज डेली प्रैक्टिस पेपर 4, जो कि आपका क्या है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, उसके बारे में आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, उनके आंसर विद सुटेबल एक्सप्लेनेशन हम उनका डिस्कशन देखेंगे। टॉपिक क्या है आज के हमारे डीपीपी का, दैट इज इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन? क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, That is, वो क्या है आपका फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन में आपका ये आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या पूछ रहा है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहलिक प्रिपरेशन। इसमें से कौन सी ऐसी हमारी डोजेस फॉर्म है जो कि किसका एग्जाम्पल है एल्कोहलिक प्रिपरेशन का। ऑप्शन हमारे सामने चार है, दैट इज एलिक्सर, स्प्रिट, कोलाडियन एंड बोथ ए एंड बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें वेल नोन पता है हमें कि हमारा क्या है एलिक्सर, स्प्रिट, कोलाडियन। तो चलिए बात करते हैं हम एलिक्सर की। एलिक्सर हमारे क्या होते हैं, क्लियर स्वीट हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशन होते हैं, ये तो आपकी डिफिनेशन हो गई। दूसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका अक्सर पूछा जाता है कि इसमें आपका एल्कोहल कंटेंट कितना होता है, कितना होता है 5 to 40% तक इसमें क्या होता है एल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है। देन नेक्स्ट वन इज स्प्रिट, स्प्रिट हमारा क्या है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है, वेल नोन हमें पता है। ओके, नेक्स्ट करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, एंड सी इज द कोलाइडियन। चलिए देख लेते हैं हम इन सभी के बारे में। कोलाइडियन हमारे सॉरी कोलाइडियंस किसमें आएंगे, इथेनॉल सॉल्यूशंस में आएंगे, दैट्स व्हाई ये आपका एल्कोहलिक एंड हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशंस में कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन में जो हमारे फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन है उनका क्लासिफिकेशन है, लाइक एक्वस में आपके कौन कौन से आएंगे, एक्वस में आपके डाउचेस, एनिमास, गार्गल, माउथ वॉश, नेजल वॉश, ओके, जूसेस, स्प्रे, ओटिक सॉल्यूशन एंड इनहेलेशन आते हैं। ओके, डाउचेस क्या होती है, दे आर द प्रिपरेशन विच आर मीन फॉर क्लींजिंग पर्पस। देन एनिमास जो आपके क्या होते हैं सपोजिटरीज के फॉर्म में आपके दिए जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन में यूज किए जाते हैं इन सभी में। गार्गल्स यूजुअली थ्रोट इन्फेक्शन में यूज किए जाते हैं, आपका बेस्ट प्रिपरेशन है पोविडोन आयोडीन। ओके, नेक्स्ट वन इज माउथ वॉशेस, माउथ वॉश इससे आपका क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, कि आपका कितने टाइम्स डाइल्यूशन होता है, अभी आगे वो भी हमारा क्वेश्चन है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज नेजल वॉशेस, सो इसी तरीके से हमारे क्या है एक्वस में आएंगे। नेक्स्ट क्या है स्वीट और विसिड में, तो इसमें क्या है आपका सिरप जो कि यूजुअली क्या है स्वीट है, ओके, हनी, म्यूसिलेज एंड जेलीज, ये किसमें आएंगे आपके स्वीट सॉल्यूशंस में, ये आपके कैटेगराइज किए जाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज नॉन एक्वस, क्या है नॉन एक्वस, तो यहाँ पे आपके क्या है एल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक में आपके कौन से आएंगे, इसमें पहला आएगा आपका एलिक्सर एंड सिरप्स, सॉरी स्प्रिट्स, क्या एलिक्सर और स्प्रिट। नेक्स्ट वन इज एथेरल सॉल्यूशंस, इसमें आपके क्या आएंगे कोलाइडियंस आएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्लाइसरीन, क्या
ग्लिसरीन सॉल्यूशन, जिसमें आपका ग्लिसरेट्स आएंगे। ग्लिसरीन आपका यूजुअली क्या होता है, ह्यूमेक्टेंट इन नेचर होता है, क्या करता है ये मॉइस्चर को रिटेन करता है। नेक्स्ट क्या है आपका, लिनिमेंट, क्या है आपका नेक्स्ट वन इज लिनिमेंट। लिनिमेंट क्या होता है, लिनिमेंट के साथ आपका एक स्पेशल केस है, दो चीजें होती है, एक होता है लिनिमेंट, एक होता है लोशन। आपने एग्जाम्स में भी, आपने अपने सिलेबस में भी पढ़ा होगा, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आया है। लिनिमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रोकेशन भी बोलते हैं। क्या, इम्ब्रोकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूजुअली हम इसको अनब्रोकन स्किन पे अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब ऐसी क्या कंडीशन है कि इसको हमें अनब्रोकन स्किन पे अप्लाई करना है, दैट इज क्यों इसको हम फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करते हैं। जिस भी लोकेशन पे हमें अप्लाई करना है तो विद फ्रिक्शन हम क्या करते हैं, लिनिमेंट का अप्लाई वहां पे करते हैं। अब दूसरी बात, एग्जांपल आपने मूव जरूर सुना होगा, वोलिनी, ऑक्सालजीन, बहुत सारे आपने प्रिपरेशन सुने होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको निकाला बस रख दिया, क्या किया जाता है, प्रॉपर वहां पे रबिंग की जाती है ताकि उसका क्या हो, जल्दी से जल्दी एब्जॉर्प्शन हो सके। और भी सारी जो चीजें हैं, तो क्या देखा आपने कि किसी भी तरीके का कट या वुंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कट या वुंड होगा तो क्या होगा, वहां पे और रप्चर होगा, वो और क्या होगा, पेनफुल हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन है कि किसी भी तरीके का वहां पे कट या वुंड्स नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दी यूएसपी डिफाइंड डैस एज लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल डल कंटेनिंग एल्कोहल एज ए सॉल्वेंट और एज ए प्रिजर्वेटिव और बोथ, सो मेड दैट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन ए इंडिविजुअल मोनोग्राफ ईच मिलीलीटर कंटेन्स द थेरापुटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग दैट रिप्रेजेंट टिंचर्स। ऑप्शन आर फर्स्ट वन इज टिंचर, एक्सट्रैक्ट, इन्फ्यूजन एंड फ्लूड एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमने ये बताना है कि मेनली ये जो आपकी डिफिनेशन दी हुई है ये किसको इंडिकेट कर रही है। ऑप्शन आर गिवेन, क्या, टिंचर, एक्सट्रैक्ट, इन्फ्यूजन एंड फ्लूड एक्सट्रैक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दैट इज फ्लूड एक्सट्रैक्ट। वो क्या है हमारा, फ्लूड एक्सट्रैक्ट। अब देख लेते हैं हम इनके एक्सप्लेनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा क्या आता है, टिंचर्स। टिंचर्स क्या होते हैं, यूजुअली जो भी आपकी क्या है क्रूड या फिर जो हमारी मेडिसिन है उनके एक्सट्रैक्शन है, क्या उनके जो हमारे क्या है एक्टिव मेडिकामेंट है, एक्टिव इंग्रीडियंट है, उनके एक्सट्रैक्शन से यूजुअली हमारा क्या होता है वो ऑब्टेन किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आता है आपका, इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन में क्या होता है, यूजुअली डायल्यूट, क्या डायल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं जो भी हमारे क्या है रेडियली, यानी कि बहुत जल्दी सॉल्युबलाइज हो जाए, ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्युबलाइज हो जाए, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेनली हमारे क्रूड ड्रग के वो आपके इन्फ्यूजन में आते हैं। अब यूजुअली जो आपके फ्रेश इन्फ्यूजन होते हैं उनको जो बनाने का मेथड है उसमें आपका क्या आता है, मैसिरेशन, क्या मैसिरेशन आता है, जो कि आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका यूज किया जाता है। अच्छा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्यों, क्योंकि इसमें यूजुअली क्या होता है माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो दैट्स व्हाई ये क्या होता है आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये क्या होता है यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मेनली क्या होता है, अगर हम एज पर यूएसपी बात करें तो ये क्या होती है आपकी कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन, क्या कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन होती है किसी भी वेजिटेबल की, क्रूड ड्रग की, या फिर जो भी आपका कोई भी मेडिसिनल प्लांट है उसका क्या है आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उससे आपका ऑब्टेन किया जा रहा है जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब इसमें यूजुअली होता क्या है कि जो भी आपके सॉल्वेंट्स हैं वो नियरली क्या होते हैं सारे के सारे इवेपोरेट कर दिए जाते हैं। अब जब सॉल्वेंट इवेपोरेट हो गए हैं तो बचेगा क्या, थिक सेमी सॉलिड, वहां पे मास बचेगा। ओके, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट बोल रहे हैं। ओके, अब ये आपका क्या होगा, रेसिड्यू वहां पे ऑब्टेन होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे मेनली क्या आएंगे, एक्सट्रैक्ट आएंगे। नेक्स्ट वन इज जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा था, दैट इज वो क्या हमारा, फ्लूड एक्सट्रैक्ट। फ्लूड एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं, मेनली आपके एल्कोहलिक या फिर आपके एक्वस एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन होती है, जो कि आपके क्या होते हैं सिलेक्टेड एक्टिव जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, जिस भी हर्बल कॉन्स्टिट्यूएंट का, जिस भी हर्बल मटेरियल का हम वहां पे कर रहे हैं। अब मेथड इंपॉर्टेंट है, किस मेथड से, बाई पर्कोलेशन और मैसिरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं यहाँ पे उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं हर्बल मटेरियल्स का। अब यहाँ पे हमारा किस में होगा, सॉरी एल्कोहल या फिर वाटर एल्कोहल मिक्सचर में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, वाटर एल्कोहल और एल्कोहल का यूज कब करेंगे हम, एक का भी तो कर सकते हैं। देखिए, एल्कोहल का यूज हम तब करेंगे जब जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे मेनली क्या है एल्कोहल सोल्यूबल है, क्या है एल्कोहल सोल्यूबल है, तो वहां हम एल्कोहल्स का यूज करेंगे। और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे वाटर और एल्कोहल दोनों में सोल्यूबल है तो वहां पे हमारा क्या होगा मेनली, वहां पे हमारे वाटर एल्कोहल मिक्सचर्स यूज किए जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
फॉरबिटर ड्रग, क्या फॉरबिटर ड्रग इन पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक का मतलब होता है कि जो भी क्या होते हैं चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए हम टर्म्स यूज करते हैं क्या पीडियाट्रिक। ओके, पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशन में मेनली एक्सीलेंट फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा होगा, किसके लिए, कंडीशन क्या है आपका बिटर ड्रग के केस में। ऑप्शंस क्या यहाँ पे दिए हमारे, रेस्टबेरी सिरप, ऑरेंज सिरप, लेमन सिरप या फिर ब्लैक करंट सिरप। क्या बात हो रही है, बिटर ड्रग्स के लिए एक्सीलेंट फ्लेवरिंग मटेरियल कौन सा होगा, तो चलिए देखते हैं। एक्सीलेंट फ्लेवरिंग मटेरियल विल बी रेस्टबेरी सिरप, क्या रेस्टबेरी सिरप होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्या इंपॉर्टेंट है, फ्लेवर्स कौन कौन से होते हैं, ओके, और क्या उनका टेस्ट होता है, क्वेश्चन आए हुए हैं इससे कई बार आपका हुआ है, तो चलिए देखते हैं। लाइक अगर बिटर है, क्या बिटर ड्रग है, तो वहां पे मेनली कौन कौन से फ्लेवर्स हैं, यानी कि ऐसे फ्लेवर्स हैं जिनका यूज किया जाएगा, तो वहां पे आपके मिंट यूज किया जाएगा, एनिस, वाइल्ड चेरी, चॉकलेट एंड पॉइजन, सॉरी पैशन फ्रूट आपका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज सॉल्ट। सॉल्ट में मेनली आपका क्या, ये जो आपके हैं, ये जो फ्लेवर्स हैं, कौन सा टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा टेस्ट दे रहे हैं, ये आपका सॉल्ट, सॉल्टी टेस्ट दे रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। लाइक आपका क्या है, बटर स्कॉच, ओके, पीच, एप्रिकॉट एंड वनीला, ओके। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या, नेक्स्ट है सॉल्ट, सॉल्ट यानी किसी यूजुअली खट्टा। अच्छा, ये जो आपका दिया हुआ है, ये टंग का पोर्शन बताया हुआ है कि किस पोर्शन पे आपकी यूजुअली कौन सा आपका टेस्ट आपको सेंसेशन होगा। लाइक अगर स्वीट है, तो स्वीट की जो टेस्ट बड्स हैं वो आपका क्या है, जो अपर मोस्ट, मतलब जो इनिशियल पार्ट है वहां पे देखने को मिलेगा, ओके। सॉर है यानी कि खट्टा है, तो ये क्या है कि दोनों साइड, क्या मिडल के दोनों साइड जो एजेस हैं वहां पे। एंड बिटर जो सेंसेशन है, बिटर नहीं, यहाँ पे हम जो चिली है, ठीक है, तो ये मेनली क्या होगा आपका जो लास्ट पार्ट है वहां पे, बिटर यानी कि कड़वा, ठीक है, वो आपका क्या है लास्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। स्वीट की अगर बात करूं, तो वहां पे आपका वेनिला, फ्रूट एंड बेरीज आपका वहां पे यूज किए जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टर डेराइव्ड प्रिजर्वेटिव। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि प्रिजर्वेटिव होते क्या है। प्रिजर्वेटिव आर दोज कंपोनेंट्स और दोज केमिकल कंपाउंड्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनी प्रोडक्ट और एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही माइनर कंसंट्रेशन में आपका यूज किए जाते हैं जो भी आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ओके। ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ताकि किसी भी तरीके का माइक्रोबियल ग्रोथ प्रोडक्ट में ना हो, और उसको डिग्रेडेशन को, उसको डिग्रेड होने से क्या करते हैं, बचाते हैं, यानी कि सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ाने में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। ऑप्शन सब चलिए यहाँ देख लेते हैं, मिथाइल पैराबीन, बेंजल कोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड एंड एथेनॉल। क्या बात हुई है यहाँ पे, एस्टर डेराइव प्रिजर्वेटिव, कौन से, एस्टर डेराइव प्रिजर्वेटिव, तो चलिए देखते हैं एस्टर डेराइव में आपका क्या आ गया, मिथाइल पैराबीन, क्या मिथाइल पैराबीन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्या यहाँ पे हम, एक्सप्लेनेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल और टाइप्स। यहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन आपका दिया हुआ है किसका, प्रिजर्वेटिव्स का। लाइक अगर हम अल्कोहल्स की बात करें, तो कौन कौन से ऐसे प्रिजर्वेटिव हैं जो आपके किसमें, अल्कोहल्स में आएंगे, तो लाइक आपका इथेनॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये दो हैं आपके जिसमें किसमें किसमें कैटेगराइज होंगे, अल्कोहल्स में होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, एसिड्स। एसिड्स में हमारे क्या आएंगे, लाइक बेंजोइक एसिड आएगा, सॉल्विक एसिड आएगा। एस्टर्स की बात करें आपके, तो मिथाइल पैराबीन हो गए आपके, ठीक है, जितने भी पैराबीन लाइक मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन हो गए, वो आपके किसमें आएंगे, एस्टर्स में आएंगे। क्वॉटरनरी अमोनियम कंपाउंड में आपका क्या आएगा, सॉरी दैट इज बेंजल कोनियम क्लोराइड। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बेंजल कोनियम क्लोराइड के साथ बनता है, क्या ये आपका मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, किस केस में, किस प्रिपरेशन के साथ यूज किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में आपके क्या है, एज ए प्रिजर्वेटिव मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, दैट इज बेंजल कोनियम क्लोराइड, ओके। और जो हमारा क्या था, एस्टर्स में थे, वो क्या थे आपके, पैराबिन्स में, पैराबिन्स ऑफ एस्टर, लाइक आपके क्या है, मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कार्बोपॉल, क्या कार्बोपॉल एक्ट एज डैश इन सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन। कार्बोपॉल किसी भी सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन में किस तरीके से एक्ट करेगा, ऑप्शंस देखते हैं, जेलिंग एजेंट, सॉल्युबिलिटी एनहांसर, कोसॉल्वेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट। किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, कार्बोपॉल की बात हो रही थी, कैसे यहाँ पे काम करेंगे, ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो कार्बोपॉल एज ए जेलिंग एजेंट काम करेंगे, क्या एज ए जेलिंग एजेंट, यानी कि जेल फॉर्म करने में, कोई भी सॉल्यूशन है उसको क्या कराएंगे, जेल फॉर्म में कन्वर्ट कराने में
हेल्प करेंगे। तो चलिए अब और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बाकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, कैसे उनके मतलब है। तो अब नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, कोसॉल्वेंट। कोसॉल्वेंट क्या होते हैं, ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। क्या ड्रग की सॉल्युबिलिटी इन व्हीकल। अब ये इन व्हीकल मतलब ऐसा नहीं है कि बस या ट्रक में, इन व्हीकल मतलब जिस मीडियम में। लाइक अगर हम बात करें कि आप कोई भी जो आपकी ड्रग है, लाइक हमने मान लिया कि कोई इंजेक्शन है आपका, ओके। अब वाटर फॉर इंजेक्शन, वहां पे हम उसको मिक्स करेंगे देन इंजेक्ट करेंगे। तो वाटर फॉर इंजेक्शन एज व्हीकल काम करेगा उस पर्टिकुलर जो भी हमारी एंटीबायोटिक या फिर जो भी ड्रग है। तो किसी भी व्हीकल में उस पर्टिकुलर ड्रग का सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए जो हम एजेंट यूज करते हैं, दैट आर कोसॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, दैट इज एल्कोहल्स। और कौन से हो गए आपके, क्या हो गए आपके, प्रोपिलीन ग्लाइकोल हो गए और ग्लिसरीन हो गया। तो ये आपके किस में आएंगे, ये आपके कोसॉल्वेंट्स में आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी इनहांसर्स। ये भी क्या करते हैं, ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी क्या करते हैं, किसी भी जो पर्टिकुलर व्हीकल है उसमें ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी को इनहांस कराते हैं। एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ पे मेनली आपके क्या आ जाते हैं, सर्फेक्टेंट आ जाते हैं। क्या सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, दीज आर सर्फेस एक्टिव एजेंट्स जो कि क्या कराते हैं, सर्फेस को एक्टिव कराते हैं, इंटरफेसियल टेंशन को क्या कराते हैं, ये कम कराते हैं। कोई भी दो दो जो आपकी क्या है इनविजिबल लिक्विड्स हैं उनके बीच में क्या होगा, एक इंटरफेस फॉर्म होगा, एक इंटरफेसियल टेंशन फॉर्म होगा, तो उसी क्या कराते हैं, ये रिड्यूस कराने में हेल्प करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट वन इज प्रिजर्वेटिव जो कि क्या कराते हैं, माइक्रोबियल बर्डन को कम कराते हैं, यानी कि जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको क्या कराएंगे, मिनिमाइज कराएंगे। नेक्स्ट अब इसका एग्जांपल एल्कोहल्स हो गए, एसिड्स हो गए, मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, बेंजिल कुमीन क्लोराइड, ये सारे आपके आएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, फ्री रेडिकल के जनरेशन को इनहिबिट करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो आपकी रिएक्शन होती है उसको प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे, क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ओके। अब क्या है यहाँ पे, नॉन एक्वस कंपोनेंट्स, नॉन एक्वस कंपोनेंट्स में आपके क्या आ गए, लाइक मिनरल या फिर वेजिटेबल्स ऑयल्स आ गए, ओके। देन तो ये क्या हो गए आपके, वहां पे जो भी थेरापूटिक एजेंट है उसकी एक तरीके से सेल्फ लाइफ को मेंटेन करने में ये भी हेल्प कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये इनहिबिट कर रहे हैं किसी भी तरीके के फ्री रेडिकल के जनरेशन को। अब इसका एग्जांपल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपका लायोफिलिक, क्या सॉरी लिपोफिलिक एंटीऑक्सीडेंट, लिपोफिलिक एंटीऑक्सीडेंट जो कि क्या है आपके ऑयली व्हीकल में, ध्यान देने वाली बात है क्या, ऑयली व्हीकल में आपका जो क्या हो डिजॉल्व हो तो उसमें क्या आपका आता है BHA और BHT। BHA BHT स्टैंड्स फॉर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT दैट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ये आपके क्या हो गए ऑयल सोल्यूबल आपके किस में आएंगे, ये एंटीऑक्सीडेंट में आएंगे, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। देन आपके क्या आ जाता है प्रोपाइल गैलेट आ जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्लास है आपकी क्या हाइड्रोफिलिक, क्या हाइड्रोफिलिक एंटीऑक्सीडेंट, इसमें आपके क्या आएंगे सोडियम सल्फाइड एंड मेटा बाइसल्फाइड, ओके। अब हाइड्रोफिलिक क्या है, जो कि आपके क्या है वाटर में, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, यानी कि जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वर्जन इन केस ऑफ सिरप फॉर्मुलेशन। सिरप जो आपका हमारा फॉर्मुलेशन है उसमें इन्वर्जन का क्या पर्पज है, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, टू रिड्यूस माइक्रोबियल ग्रोथ, किसी भी तरीके की माइक्रोबियल जो ग्रोथ है उसको मिनिमाइज करने के लिए, रिटार्ड्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए, बोथ ए एंड बी, ओके, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं, ओके। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी, यानी कि जो आपका क्या है इन्वर्जन है वो आपका प्रिवेंट करेगा, क्या प्रिवेंट करेगा या रिटार्ड करेगा ऑक्सीडेशन को, और उसी के साथ साथ क्या करेगा रिड्यूस करेगा क्या माइक्रोबियल ग्रोथ को भी। चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन है उसको समझते हैं। सबसे पहले सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, C12H22O11 किसकी प्रेजेंस में, किसके साथ, वाटर के साथ, क्या वाटर के साथ, हीट और एसिड की प्रेजेंस में, हमने हीट दिया तो वाटर में ये क्या हो जाएगा डिजॉल्व होगा, एंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये क्या होगा हमारा इनवर्ट सुगर में, किसमें इनवर्ट सुगर में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें हमारा क्या आता है डेक्सट्रोज एंड लिवुलोज, ओके, डेक्सट्रोज एंड लिवुलोज। अब इनवर्ट सुगर्स में आपके क्या आए हैं, आपके डेक्सट्रोज और लिवुलोज आते हैं, जो कि क्या आते हैं रेडियली ज्यादा फर्मेंटेबल होते हैं एज कंपेयर टू जो हमारा क्या होता है सुक्रोज होता है, ठीक है। और ये यूजुअली क्या होगा डार्क कलर क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये सुगर क्या करती है, ये सुगर क्या करेगी
जो भी ऑक्सीडेशन सब्सटेंस है या फिर जो भी सब्सटेंस है ऐसे जो कि फ्री रेडिकल जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, उसको रिटार्ड करेंगे या फिर उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। अगर डाइल्यूट सीरम की बात की जाए तो क्या होगा, लेस देन 65% वेट बाई वेट, ठीक है, जो कि आपके मेनली एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट फॉर मोल्ड्स, यानी कि जो भी मोल्ड्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, यीस्ट हैं या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से अगर कम है तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें ग्रो करते हैं। बट अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए, 65% से ज्यादा हो जाए, सो रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होता है, ग्रोथ जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो रिटार्ड हो जाती है। अच्छा, यही रीजन है कि जो आपका सुगर सिरप है आईपीओ यूएसपी में आपने देखा होगा कि उसकी एक फिक्स कंसंट्रेशन है 85 है, आपका 66.67 है, तो ये पर्टिकुलर रीजन है कि आपका इतना कंसंट्रेशन ही क्यों इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका ये कंसंट्रेशन ही क्यों इंपॉर्टेंट है, इस कंसंट्रेशन से ज्यादा हुआ तो क्या डिफेक्ट देखने को मिलेगा, दैट इज कैप लॉकिंग। आपने देखा होगा कि कई बार सुगर का जो कैप होता है, सॉरी सुगर सिरप के जो कैप्स होते हैं उसपे सुगर के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, दिस डिफेक्ट इज नोन एज कैप लॉकिंग, एंड हाउ वी कैन ओवरकम दिस, हम इसको कैसे ओवरकम करेंगे, विद द हेल्प ऑफ किसे, पॉलीओल्स, क्या पॉलीओल्स जो हमारे होते हैं उनका यूज करके हम इस डिफेक्ट को ओवरकम करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीरप मस्ट बी, सीरप की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, 1.313, 3.213, 2.313, 4.333, ओके, चलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीरप इज 1.313, ओके, चलिए सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1.313। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, क्या इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग इन वाटर, ध्यान दीजिएगा किसमें, ड्रग इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एडिटिव इज नोन एज, किसकी प्रेजेंस में, एडिटिव की प्रेजेंस में, किसी भी ड्रग का जो कि वाटर में है, तो उस प्रोसेस को अगर सॉल्युबिलिटी हम इंक्रीज करा रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन, कोसॉल्वेंसी, सॉल्युबलाइजेशन या फिर हाइड्रोट्रॉफी, व्हिच वन इज करेक्ट, चलिए करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज हाइड्रोट्रॉफी। चलिए अब हम सभी के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा, एक हमारा यहाँ पे था क्या, डिसोल्यूशन, आपने देखा होगा टैबलेट में, ये टैबलेट जब हमने क्या की, इंटेक किया, तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपका टैबलेट है ये क्या होगा, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, स्मॉल पार्टिकल्स में उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, डिसोल्यूशन स्टेप के लिए वो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। डिसोल्यूशन में क्या होता है, वो सिंपली सोल्यूबलाइज हो जाता है, सोल्यूबल होता है, किसमें, जो भी पर्टिकुलर जीआई फ्लूड है या फिर जो भी वाटर है उसमें क्या होगा, वो सोल्यूबल होगा। नेक्स्ट वन इज कोसॉल्वेंसी, नेक्स्ट क्या है आपका, कोसॉल्वेंसी एंड सोल्यूबलाइजेशन एंड हाइड्रोट्रॉफी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कोसॉल्वेंसी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपका, दिस इज द फिनोमिना एडिंग ए मोर, क्या एडिंग ए मोर वाटर मिसिबल सॉल्वेंट, ठीक है, जो भी हमारा क्या है पर्टिकुलर व्हीकल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर मिसिबल सॉल्वेंट हम ऐड कर रहे हैं किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए। एग्जांपल्स में आपके क्या आ जाएंगे, अल्कोहल आएगा, ग्लिसरीन आएगा, सॉर्बिटॉल आएगा, एग्जांपल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, हाइड्रोट्रॉफी। हाइड्रोट्रॉफी में क्या होता है, मेनली इंक्रीज इन दी सॉल्युबिलिटी, क्या सॉल्युबिलिटी को मेनली हम इंक्रीज कराने की बात कर रहे हैं यहाँ, किसमें, इन वाटर, वाटर के केस में ऑफ वेरियस सब्सटेंस, लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एग्जांपल्स यहाँ पे मेनली हमारे क्या आएंगे, सोडियम बेंजोएट, क्या सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट वन इज सोल्युबलाइजेशन, सोल्युबलाइजेशन मतलब क्या है, कोई भी अगर हमारा क्या है पुअरली वाटर सोल्युबल सब्सटेंस है, यानी कि वाटर में उसकी सोल्युबिलिटी क्या है, बहुत पुअर है, ठीक है, ये आपके लिए पुअरली वाटर सोल्युबल सब्सटेंस या सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है, तो हम क्या करेंगे मेनली उसका क्या करेंगे, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप और डिटर्जेंट, किसी भी एक्वस सोल्यूशन किसका, सोप या डिटर्जेंट में हम उसको क्या करेंगे, मिक्स कराएंगे, उससे उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि हमारा क्या हो, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सोल्यूशन फॉर्म हो। एग्जाम्पल ट्विन हो गया आपका, ब्रिज हो गया एंड मरीज हो गया, ये आपका क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सोल्युबलाइजेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट का इम्पार्टमेंट होता है, जो हमारे क्या है सर्फेक्टेंट है वो यहाँ पे क्या होते हैं, इंजोल्ड होते हैं और सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कराते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है,
कैप्स लॉकिंग, अभी थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, कैप्स लॉकिंग फिनोमेना इज एसोसिएटेड विद कोलाइडियम सिरप एलिक्सर एंड लिनिमेंट। अभी थोड़ी देर पहले बात क्या किया था, शुगर कंसंट्रेशन की। शुगर कंसंट्रेशन हमारी क्या होती है, एक फीड होती है जो भी हमारा क्या है, सिरप आईपी है और सिरप यूएसपी, ओके, जिसमें आपका कितना होता है 85%, ओके, और सिरप आईपी में कितना होता है 66.67%, ओके। अब सवाल ये उठता है ये कंसंट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई दिस कंसंट्रेशन इज सो मच इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई कि अगर इस कंसंट्रेशन से अगर ज्यादा हो गया तो जो डिफेक्ट आएगा दैट इज कैप लॉकिंग। होता क्या है, आपका सपोज ये सिरप की बॉटल है, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ दिन बाद इसके जो कैप है उसमें क्या हो जाती है, शुगर के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लगते हैं, तो वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन सारे डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलीऑल्स का यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है पॉलीऑल्स का यूज करते हैं, ओके। अब ये क्या है, कैप लॉकिंग फिनोमिना, हमने समझ लिया कि शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं अगर इस कैप पर डिपॉजिट हो रहे हैं दैट इज नोन एज, दैट इज दिस फिनोमिना इज नोन एज कैप लॉकिंग, ओके। एंड हाउ वी कैन ओवरकम दिस, विद द हेल्प ऑफ पॉलीऑल्स, पॉलीऑल्स का यूज करके हम इस डिफेक्ट को ओवरकम कर सकते हैं, ओके। चलिए, सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सिरप। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कैप लॉकिंग मेनली क्या होता है, हार्ड शुगर आपकी क्या होती है, जो भी आपकी क्या है ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमेक्टेंट्स आर यूज इन विच फॉर्मुलेशन, कौन सी फॉर्मुलेशन में मेनली हमारे ह्यूमेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं। ऑप्शन आर गार्गल, माउथ वॉश, एनिमा एंड नेजल सोल्यूशन। गार्गल्स, गार्गल्स मेनली पर्पज क्या होता है, थ्रोट इन्फेक्शन में मेनली आपका यूज किया जाता है, माउथ वॉश मेनली, चलिए बहुत अच्छी चीज याद आ गई, हेलिटोसिस आपने सुना होगा, हेलिटोसिस क्या होता है, एक आपका मेडिकल टर्म है, इसका मतलब होता है क्या, बैड ब्रीथ। आपने देखा होगा कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं अगर वो पायरिया से मतलब पीड़ित हैं, पायरिया उनके माउथ में अगर पायरिया डिजीज है देखने को है, ठीक है, तो वहां पे बैड ब्रीथ देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इस बैड ब्रीथ को हम क्या टर्म देंगे, दैट इज हेलिटोसिस, ओके। अब पायरिया में प्लाक के रिमूवल में बैड ब्रीथ को ओवरकम करने के लिए हमारा क्या यूज किया जाता है, माउथ वॉश यूज किए जाते हैं। माउथ वॉश का जो हमारा मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट एपीआई होता है दैट इज क्लोरहेक्सिडिन, क्या क्लोरहेक्सिडिन उसमें यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन इज एनिमा, एनिमा क्या है आपका मेनली कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है, हिमोराइडल जो क्या होता है हिमोराइड्स में यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट नेजल सॉल्यूशन एज ए डीकंजेस्टेंट, नेजल डीकंजेस्टेंट आपके यूज किए जाते हैं, क्या नेजल सॉल्यूशंस, लाइक आपके क्या हो गया आपका ज़ाइलोमेटाजोलिन हो गया, लाइक आपने सुना होगा ओट्रिविन सुना हुआ होगा, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज माउथ वॉश, जहां पे आपके क्या होते हैं ह्यूमेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए अल्कोहल्स मेनली क्या होते हैं 10-20%, कितना 10-20% में यूज किए जाते हैं। इसका हमने देख लिया पहले कि क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, लाइक हमारा क्या है एज अ प्रिजर्वेटिव आपका यूज किया जाता है, अनप्लीजेंट जो भी क्या है ड्रग का टेस्ट है उसको मेनली मास्क करने में ये यूज किया जाता है, और कई बार ये एज ए सोलुबलाइजिंग एजेंट, क्या एज ए सोलुबलाइजिंग एजेंट भी यूज करता है। कई सारी प्रॉपर्टीज होती है अलग अलग कंसंट्रेशन पे, उसकी अलग अलग एक्टिविटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं दैट इज ह्यूमेक्टेंट, ह्यूमेक्टेंट क्या करते हैं, जो भी हमारे क्या प्रिपरेशन है उसकी क्या करते हैं प्रिपरेशन में इंक्रीज करते हैं, क्या विस्कोसिटी इंक्रीज करते हैं, ओके। लाइक आपके क्या हो गए ग्लिसरीन हो गया और सॉर्बिटॉल हो गए, तो ये आपके क्या हो गए एज ए ह्यूमेक्टेंट काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट मेनली दो टाइप हमारे क्या है यहाँ पे मेंशन है, नॉन आयनिक है आयनिक है, जो कि हमारे क्या मेनली यूज कहाँ होते हैं सॉल्युबलाइजेशन में, ओके। और कहाँ यूज होता है डेब्रिस बाई प्रोवाइडिंग फोमिंग एक्शन, ओके, क्या करते हैं रिमूवल ऑफ डेब्रिस बाई प्रोवाइडिंग फोमिंग एक्शन। कैटायनिक सर्फेक्टेंट में हमारा क्या यूज होता है सिटाइलिन, सिटाइल पाइडीनियम क्लोराइड हमारा यूज किया जाता है, जो कि क्या कराता है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, ओके। चलिए बट इसके साथ एक एडवर्स इफेक्ट है या फिर एक आपका ड्रॉबैक है, दैट इज क्या, वो क्या है आपका बिटर टेस्ट यहाँ पे आपको उसका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लेवर्स, फ्लेवर्स मेनली क्या होते हैं, जो भी हमारे क्या है
अनपैलेटेबल हमारे क्या जो भी टेस्ट है, या फिर हमारे डिसएग्रीबल, क्या डिसएग्रीबल हमारे जो टेस्ट होते हैं उनको ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। लाइक इसमें क्या आ जाता है आपका, पेपरमिंट आ जाता है, मेंथा पिपराटा, सिनामन आ जाता है आपका, मिथाइल मेंथॉल या फिर आपके मिथाइल सेलिसिलेट आपके आते हैं, कलिंग एजेंट्स जो कि आपके क्या करते हैं पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी को क्या कराते हैं, इंक्रीज कराते हैं, उसके जो भी अट्रैक्टिवनेस है उसको इंक्रीज कराने में क्या कराते हैं, हेल्प कराते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज द लेबलिंग। क्या लेबलिंग इंट्रैक्शन टू बी डाइल्यूटेड 20 times इट्स वॉल्यूम विथ वॉटर इंडिकेट्स द डिस्पेंस्ड प्रोडक्ट इज, यानी कौन सा ऐसा हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी डिस्पेंसिंग से पहले हम उसको वाटर से 20 times क्या 20 times हम उसको डाइल्यूट करेंगे। ऑप्शंस आर टिंचर, एलिक्सर, ड्रिंक टेस्ट या फिर माउथ वॉश। ओके चलिए करेक्ट आंसर इज माउथ वॉश। और ये क्वेश्चन आपका फार्मासिस्ट एग्जाम में, जीपैट एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो फार्म जो आपका क्या है, जो भी माउथ वॉश है, ये आपकी ऐसी प्रिपरेशन है जिसको बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग, क्या एडमिनिस्टर या फिर हम डिस्पेंस करने से पहले वाटर के साथ हम क्या करते हैं 20 times कितना 20 times डाइल्यूट करते हैं। चलिए इसका और भी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, लाइक अलग अलग टर्म्स हैं। लाइक अगर सिरप की बात करें तो ये क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग सुगर। ओके सुगर, देन क्या है, स्प्रिट होता है जहां पे आपका क्या है एरोमेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन एल्कोहल। नेक्स्ट वन इज टिंक्चर, जो कि क्या होता है आपका क्रूड ड्रग्स का जो भी हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस प्रोसेस, ये पर्टिकुलर हमारे क्या होते हैं टिंक्चर कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज एलिक्सर, एलिक्सर क्या होते हैं हमारे क्लियर स्वीट हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है जो भी हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारे उसमें ड्रग मेडिकामेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज लिंटस, लिंटस क्या होते हैं कफ से रिलीफ कराने के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वन इज व्हेन नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व इन ए पोलर सॉल्वेंट यूजिंग सर्फेक्टेंट दिस प्रोसेस इज नोन एज, क्या है कंडीशन, नॉन पोलर सब्सटेंस आपके किसमें डिसॉल्व कराए जा रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट में। ओके नॉन पोलर सब्सटेंस आपके डिसॉल्व कराए जा रहे हैं किसमें, पोलर सब्सटेंस में विद द हेल्प ऑफ सर्फेक्टेंट। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन आर HLB, सोल्युबिलाइजेशन, इमल्सिफिकेशन एंड जिटेनिशेशन। ओके चलिए अब करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर इज सोल्युबिलाइजेशन। क्या सोल्युबिलाइजेशन, चलिए यहां पर हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मेनली इसमें क्या होता है, सोल्युबिलाइजेशन में जो हमारे पुअरली वॉटर सोल्यूबल हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ओके वो क्या होता है, किसी भी हमारे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप या फिर डिटर्जेंट, सोप या फिर डिटर्जेंट के एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर लिए जाते हैं, उनको हम मिक्स कर लेते हैं। लाइक एग्जांपल में हमारे जैसा कि अभी हमने देखा था ट्विन ब्रिज एंड ब्रिज, ये सारे हमारे इसके एग्जांपल में आएंगे। देन हाइड्रोट्रॉफी क्या होता है, हाइड्रो मीन्स वॉटर, वॉटर की क्या ट्रॉफी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कराने में, किसमें किसी भी सब्सटेंस की वाटर में सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मेनली हमारा क्या सोडियम बेंजोएट यूज किया जा रहा है, दैट इज नोन एज हाइड्रोट्रॉफिक एजेंट। ओके देन कॉम्प्लेक्सेशन, मेनली ये क्या होते हैं हमारे क्या कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म कराने के लिए किसमें हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ओके लाइक पीवीपी, पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन हो गया आपका, देन कोसॉल्वेंट हम पहले ही बात कर चुके हैं, किसी भी हम क्या करते हैं वाटर मिसबिल सब्सटेंस में हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं ठीक है उसकी सॉल्युबिलिटी को, ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, जहां पे हमारे अल्कोहल और ग्लिसरीन आएंगे। नेक्स्ट आया थे, नेक्स्ट क्या है हमारा एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड एज ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टेराइल प्रोडक्ट। पहली चीज एंटीऑक्सीडेंट क्या है, दूसरी चीज स्टेराइल प्रोडक्ट क्या है। एंटीऑक्सीडेंट हम पहले ही बात कर चुके हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आर दोस प्रोडक्ट्स जो क्या करें दैट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेशन को होने से प्रिवेंट करें, जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, या फिर दे इनहिबिट द फ्री रेडिकल जनरेशन, फ्री रेडिकल की जनरेशन को क्या करें इनहिबिट करें। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, फ्री रेडिकल आर दोस कंपाउंड या फिर जो वो आपके होते हैं प्रोडक्ट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन। अब वो क्या होता है हाईली क्या होगा, रिएक्टिव होगा अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, किसी दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा कि हाँ उससे बाइंड कर ले और क्या करे अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रख ले। तो ये मेनली क्या होता है आपका फ्री रेडिकल की कहानियां होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है, स्टेराइल प्रोडक्ट। स्टेराइल प्रोडक्ट क्या होते हैं,
जो कि क्या होते हैं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे उनको इंजेक्ट कर रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ओके वो आपके स्टाइल प्रोडक्ट्स में आएंगे, ओके और भी कई सारे आपके प्रोडक्ट्स शायद में आते हैं, अभी हम उनकी बात करेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर, सोडियम बाइसल्फाइड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर EDTA चिलेटिंग एजेंट, तो कौन सा हमारा मेनली यहाँ पे यूज किया जाता है, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स। चलिए यहाँ पे हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टाइप ऑफ जो एंटीऑक्सीडेंट है रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे कौन कौन से यूज किए जाएंगे, मेनली हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम फॉर्मल्डिहाइड, ये सारे हमारे मेनली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा ब्लॉकिंग एजेंट। ब्लॉकिंग एजेंट में हमारा क्या है, अगेन एस्कॉर्बिक एसिड है, BHT और BHA जो कि आपका काफी ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ओके। चलिए एंटोकोफेरॉल्स, टोकोफेरॉल्स जिसे हम क्या विटामिन ई भी बोलते हैं, ओके एंटीऑक्सीडेंट होता है उसमें। सिनर्जिस्ट में हमारा अगेन सिट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, टाइट्रिक एसिड, चिलेटिंग एजेंट जो चिलेट फॉर्म कर ले, दैट आर EDTA, उसमें हमारे क्या आएंगे, EDTA आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलेटिव, क्या रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज टू सैक्रीन। अगर हम बात करते हैं जब भी किसी भी स्वीटनर एजेंट की, किसी भी स्वीटनिंग एजेंट की, तो जो उसकी स्वीटनिंग प्रॉपर्टी है, कितने टाइम्स वो स्वीटर है, वो हम उसका कंपेयर करते हैं किससे, सुक्रोज से, ओके सुक्रोज या फिर जो भी हमारी शुगर है सुक्रोज, उससे हम मेनली उसका कंपेयर करते हैं। तो यहां बात कर रहे हैं हम सैक्रीन की, जो सैक्रीन है वो कितने टाइम्स या फिर जो उसकी रिलेटिव स्वीटनेस है वो कितने टाइम्स ज्यादा होगी, किसके कंपेरिजन में, सुक्रोज के कंपेरिजन में, 1:200, 1:500, 1:100 या फिर 1:400। तो जब भी हम बात करते हैं सैक्रीन की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सैक्रीन आपकी कार्सिनोजेनिक है, क्या है, कैंसर इंड्यूस कराती है, दैट्स व्हाई इसका यूज लिमिटेड है, बैन है, ओके। और ये आपका 1:500 टाइम्स क्या है, स्वीटनर है एज कंपेयर टू शुगर। नेक्स्ट आता है आपका एस्पार्टेम जो कि नॉन कार्सिनोजेनिक, क्या है, नॉन कार्सिनोजेनिक है, 200 टाइम्स क्या है, मोर स्वीटनर है एज कंपेयर टू सुक्रोज। नेक्स्ट क्या है, साइक्लामेट 70 टाइम, क्या 70 टाइम आपका स्वीटर है एज कंपेयर टू सुक्रोज, बट कंडीशन क्या है, इट इज कार्सिनोजेनिक, इट विल इंड्यूस कैंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट वन इज सैक्रीन, सैक्रीन इज कार्सिनोजेनिक, 500 टाइम्स स्वीटर देन सुगर, सुगर से ये क्या है 500 टाइम्स क्या है स्वीटर है, ओके। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज मैनिटॉल, ये क्या है 72 टाइम्स, 72 टाइम्स क्या है ये आपका स्वीटनर है। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट मैनिटॉल में ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है या फिर निगेटिव हीट जनरेट करता है, तो ये क्या करता है, कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करेगा, कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करेगा। दैट्स व्हाई क्या होगा, जो भी आपकी डायजीन हो गया, जो भी आपके एंटासिड्स हो गई और जो आपके च्यूएबल टेबलेट्स हो गई, उसमें मेनली ये यूज किया जाता है, ताकि ये क्या करता है वहां पे कूलिंग सेंसेशन, कूलिंग इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोमिंग, क्या फोमिंग ड्यूरिंग लिक्विड फिलिंग कैन बी रिड्यूस बाय फॉलोइंग वे एक्सेप्ट, यानी कि जब भी हम किसी भी प्रिपरेशन में लिक्विड्स को क्या करते हैं, फिल करते हैं, तो वहां पे इसमें से कौन सा मेथड है जिसकी वजह से क्या जो आपकी फोमिंग है वो कम नहीं होगी, फोमिंग विल नॉट बी रिड्यूस। ऑप्शंस आर इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द फिलिंग लाइन, जो भी हमारी क्या है फिलिंग लाइन है उसकी स्पीड को इंक्रीज करके। नेक्स्ट क्या है, मिनिमाइज प्रोडक्ट टर्बुलेंस, क्या जो भी आपका क्या है प्रोडक्ट है उसके टर्बुलेंस को कम से कम करके। नेक्स्ट वन इज क्लोजली सिस्टम फिलिंग, क्या क्लोज सिस्टम फिलिंग, किसी एक क्लोज हम वेसल में क्या करते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम की फिलिंग करा रहे हैं। डीफोमिंग डिवाइस का यूज करके, यानी कि वो डिवाइसेस जो क्या करें फोम के होने को क्या करें प्रिवेंट करें, फोम के प्रोडक्शन को कम करें। सो इसमें वो लाइन वो ऑप्शन जो कहीं किसी भी तरीके से फोमिंग को कम नहीं कर रहा है, दैट इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ फिलिंग लाइन। आप देखोगे कि जो भी क्या करेंगे लिक्विड की फिलिंग लाइन जो है अगर उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो जो फोमिंग प्रोडक्शन है फोम प्रोडक्शन है दैट विल बी इंक्रीजेस, फोम प्रोडक्शन वहां पे क्या होगा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं कि मेनली कौन कौन से हमारे क्या है मेथड्स हैं जो कि हमारे यूज किए जाते हैं किसमें फिलिंग ऑफ लिक्विड में। तो पहला आ जाता है आपका क्या ग्रेविमेट्रिक मेथड, क्या
ग्रेविमेट्रिक, सेकेंड वन इज वॉल्यूमेट्रिक एंड थर्ड वन इज कॉन्स्टेंट लेवल फिलिंग. क्या कॉन्स्टेंट लेवल फिलिंग. नेक्स्ट, अब फोमिंग हम कैसे कैसे रिड्यूस करेंगे. ओके, तो टर्बुलेंस को कम करके, क्लोज सिस्टम फिलिंग की हेल्प से. ओके, मैकेनिकल डीफोमिंग डिवाइसेस हमारी यूज होती हैं, जो कि क्या कराएंगे, जो फोम्स हैं उनको सेपरेट करा देती हैं या फिर सेटल करा देती हैं. एंड लास्ट वन इज स्पीड को, फिलिंग लाइन की जो स्पीड है अगर उसको हम कम कर दें तो कहीं ना कहीं जो फोमिंग है, फोम प्रोड्यूस हो रहा है, उसको क्या करेगा, ये सप्रेस करेगा. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज विच मे बी इन फॉर्म ऑफ, विच मे बी इन फॉर्म ऑफ एन एस्टर ऑफ सॉल्ट. एस्टर ऑफ सॉल्ट ऑफ एक्टिव ड्रग इज टर्म्ड एज एक्टिविटी फैक्टर, फॉर्मुलेशन फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर या फिर सॉल्ट फैक्टर. क्या पूछा है यहाँ पे, किसी भी, कोई भी जो हमने डोज एडमिनिस्टर्ड की है, कोई भी टेबलेट डोज कुछ भी हमने एडमिनिस्टर्ड किया है, उसका वो हिस्सा, वो फ्रैक्शन जो कि क्या किसी भी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एस्टर ऑफ सॉल्ट, किसी भी एस्टर के सॉल्ट में है, जो भी आपके एक्टिव ड्रग के साथ है, आपका दिया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज सॉल्ट फैक्टर. क्या, सॉल्ट फैक्टर बोलेंगे. अब आपने देखा होगा डाइक्लोफिनेक एसिड, ठीक है, क्लोरामफेनिकॉल पैल्मिटेट, ठीक है, सोडियम वॉलप्रोएट. वॉलप्रोएट एसिड क्या होता है, सोडियम वॉलप्रोएट. अलग अलग टाइप के आपको सॉल्ट वहां पे देखने को मिलेंगे, कि वहां पे हमारा क्या है, सॉल्ट यूज किया जा रहा है ड्रग्स के साथ. सॉल्ट मॉर्फिन सल्फेट हो गया, ओके, तो बाइकार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है, ऐसे ऐसे करके सॉल्ट यूज किए जाते हैं. क्यों यूज किए जाते हैं आखिर ये सॉल्ट, तो ये बात करते हैं उस पर्टिकुलर ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए यूजुअली हम सॉल्ट का यूज करते हैं. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मेनली जो भी सॉल्ट या वीक एसिड जो भी हमारी क्या होती है ड्रग्स के साथ इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है. देन यूजुअली जो भी हमारा क्या होता है, इसका डिफ्यूजन होता है ड्रग पार्टिकल का. तो होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्या होगा, जो भी क्या है सोल्यूबल फॉर्म ऑफ ड्रग है पहली चीज तो वो, दूसरा क्या है उसका रैपिड डिसोल्यूशन होगा, ये चीजें होंगी. देन उसके बाद जो भी क्या है हमारा जीआई बैरियर है, क्या, जो भी क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैरियर है. ड्रग आप क्या है सोल्यूशन फॉर्म में है, ड्रग क्या है सोल्यूशन फॉर्म में है, तो ब्लॉब होगी और ड्रग ब्लड में क्या होगी, ब्लड में पहुंचेगी. कहाँ पहुंचेगी, ब्लड में पहुंचेगी. अच्छा, दूसरी चीज सॉल्ट फॉर्मेशन मेनली क्या होता है, सॉल्युबिलिटी और बायोबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए. अच्छा, एक क्वेश्चन और सर, बायोबिलिटी क्या होता है. बायोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अमाउंट ऑफ द ड्रग, याद रखिएगा आपको थ्रू आउट द बी फॉर्म या फिर आफ्टर बी फॉर्म हमेशा काम देगा. व्हाट डू यू मीन बाय बायोबिलिटी, बायोबिलिटी मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट इज रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द From site of administration into the systemic circulation, ठीक है, ये क्या हो गया, क्या amount of, ये क्या हो गया. अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, amount लगा था यहाँ पे, क्या था amount मैंने बात किया था, तो confuse मत होइएगा, जब भी बात होगी amount की तो वो होगा क्या आपका absorption, क्या absorption, हमने क्या बात किया था वहां पे amount की. अब बात करते हैं क्या फ्रैक्शन की, किसकी फ्रैक्शन की, तो याद रखिएगा जब भी बात होगी क्या फ्रैक्शन की, वहां पे आपकी बात होगी बायोबिलिटी की, ठीक है. फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म, किसमें अनचेंज, यानी कि ड्रग का वो फ्रैक्शन जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कहां पहुंच रहा है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है बिना किसी चेंज के. ऐसा ना हो कि ड्रग पहुंची वो मेटाबोलाइज होगी, मेटाबोलाइज होगी तो कोई वहां पे एक्शन ही नहीं शो होगा, ओके. तो यहाँ पे क्या है बायोबिलिटी की डिफिनेशन आपकी ये होगी, फ्रैक्शन की बात हो रही है. और सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपका अनचेंज फॉर्म में पहुंचना चाहिए, जो भी जहां से भी उसका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहां से. और पेरेंट्रल की बायोबिलिटी हम कंसिडर करते हैं 100%, क्या 100%. तो ये क्या हो गया आपका बायोबिलिटी हो गई. क्या पर्पज है आपका सॉल्ट फॉर्मेशन का, क्या है आपका इंक्रीज दी सॉल्युबिलिटी. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट वन इज क्लोरोब्यूटेनॉल इज यूज एज, क्लोरोब्यूटेनॉल हम कैसे यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, बफरिंग एजेंट, एज ए प्रिजर्वेटिव या फिर एज ए सॉल्युबलाइजर. चलिए करेक्ट आंसर इज प्रिजर्वेटिव. क्या क्लोरोब्यूटेनॉल एज ए प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं. एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. चलिए हमारा क्लास किस क्लास में आएगा, न्यूट्रल, किसमें प्रिजर्वेटिव्स की बात हो रही है. तो सबसे पहला हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे एसिडिक,
इटसेल्फ में हमने पहले बात की, फिनॉल आते हैं हमारे, क्लोरोपिरिसोल आता है, सॉर्बिक बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड ये आएंगे। न्यूट्रल में हमारा क्या आएगा, क्लोरोब्यूटेनॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल विल कम्स इन द क्लास ऑफ न्यूट्रल। देन मर्क्यूरियल्स में हमारे क्या आएंगे, थायरोमसल एंड बेंजाइल अल्कोहल, किसमें आएंगे हमारे, मर्क्यूरियल में। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड, क्या क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड, इसमें क्या आएगा आपका, बेंजाइल कोनियम क्लोराइड, सिटाइल पिरिडिनियम क्लोराइड, ये क्या आ गए हमारे, क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। तो ये कुछ हमारा सिंपल सा क्लासिफिकेशन है किसका, प्रिजर्वेटिव्स व्हिच आर यूज इन फार्मास्यूटिकल्स डोजेस फॉर्म। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, दीज आर लिक्विड फॉर क्यूटेनियस एप्लीकेशन, ओके, दैट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू दी अनब्रोकन, ध्यान देने वाली बात क्या है, अनब्रोकन स्किन विथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ आइडेंटिफाई दी फॉर्मुलेशन, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ओके। चलिए लोशन, लिनिमेंट, लिंटस या फिर एलिक्सर, एलिक्सर क्या होते हैं, क्लियर स्वीट हाइड्रोअल्कोहलिक आपकी प्रिपरेशन होती हैं। लिंटस क्या होते हैं, कफ को, कफ को रिलीफ करने के लिए मेनली प्रोवाइड कराए जाते हैं। लोशन स्किन के ऊपर क्या होता है आपका, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं। देन आते हैं आपके क्या, लिनिमेंट, लिनिमेंट क्या कराते हैं आपके, लिनिमेंट मेनली हम एज ए इम्ब्रोकेशन यूज होता है, स्किन पे किसी भी तरीके का कट या वुंड नहीं होना चाहिए, विथ फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मसल पेन में मेनली आपका यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज लिनिमेंट, एक्सप्लेनेशन हम देख ही चुके हैं, सोर थ्रोट या फिर कफ से रिलीव में हमारा लिंटस यूज किया जा रहा है, लिनिमेंट क्या है, अनब्रोकन स्किन पे हमारा ये मेनली यूज किया जा रहा है, क्या आपका, लिनिमेंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट वन इज ए सीरप इज सेड टू बी इन्वर्ट सीरप, क्या इन्वर्ट सीरप, इफ इट इज हाउ मेनी परसेंट इन्वर्टेड, किसी भी सीरप को हम इन्वर्ट सीरप कब बोलेंगे, अगर ये कितने टाइम्स, क्या कितने टाइम्स ये आपका क्या हो, इन्वर्टेड हो। ऑप्शन आर देयर 50%, 20%, 95% एंड 80%। करेक्ट आंसर इज हियर, दैट इज 95%, कितना 95%। एक्सप्लेनेशन चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले सिंपल सीरप, सिंपल सीरप जो होती है उसमें 66.67% क्या होता है आपका, सुक्रोज, क्या सुक्रोज कंसंट्रेशन होता है इन डाइल्यूटेड वाटर, ठीक है। सेकंड वन इज मेडिकेटेड सीरप, मेडिकेटेड सीरप मेनली क्या है, एक्वस प्रिपरेशन है आपका, क्या सीरप का, उसी में हमने क्या कर दिया, कोई भी मेडिसिन, क्या कोई भी मेडिसिन एड कर दी, दैट इज मेडिकेटेड सीरप। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वन इज फ्लेवर्ड सीरप, फ्लेवर्ड सीरप आपका क्या है, जिसमें हमारा किसी भी तरीके का एरोमेटिक या फिर कोई भी प्लीजेंट सब्सटेंस ऐड है, दैट इज नोन एज क्या है वो आपका, फ्लेवर्ड, क्या है वो आपका, फ्लेवर्ड सीरप की कंसीडर क्लास में आपका कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज इन्वर्ट सीरप, इन्वर्ट सीरप मेनली क्या होते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, मेनली इसमें क्या होता है 66.67% वेट बाई वेट आपका सुक्रोज देखने को मिलेगा, ठीक है, एट विच जिसमें क्या हो एटलीस्ट 95% क्या हो, इन्वर्टेड हो, क्या हो, इन्वर्टेड हो। अब ये होता कैसे है, फॉर्म कैसे होता है सुक्रोज, क्या सुक्रोज को मेनली किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हीट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं विथ कैल्शियम एंड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे हमारा सिंपल यहाँ इन्वर्ट सुगर मेनली यहाँ पे इन्वर्ट सिरप फॉर्म होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिजर्वेटिव थायोमसल इज, जो आपका क्या है प्रिजर्वेटिव दैट इज थायोमसल, वो आपका क्या है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, मर्क्यूरियल है या फिर क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड्स की क्लास में आएगा, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, थायोमसल की। तो चलिए देखते हैं थायोमसल आपका किसमें आएगा, मर्क्यूरियल्स की क्लास में आएगा। अगेन हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे क्लास देखते हैं कि कौन कौन से मेनली हमारे प्रिजर्वेटिव आते हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। नेचर की बात करूं तो एसिडिक में हमारे कौन कौन से आएंगे, फिनॉल, क्लोरोक्रिसोल, सॉर्बिक एसिड है, बेंजोइक एसिड और बोरिक एसिड आपकी किसमें आएंगे, एसिडिक इन नेचर वाले में आएंगे। नेक्स्ट क्या आता है आपका, न्यूट्रल, न्यूट्रल में आपका कौन सा आएगा, क्लोरोब्यूटेनॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल। देन मर्क्यूरियल्स में अभी बात की बेंजाइल अल्कोहल और आपका क्या आएगा थायोमसल, क्या थायोमसल। चलिए एंड लास्ट वन इज क्वार्टरनरी अमोनियम
कंपाउंड्स क्या, क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड्स में आपके क्या आएंगे, बेंजल कोनियम क्लोराइड एंड सिटाइल परिडीनियम क्लोराइड। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस डीपीपी के जो हमारे एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस थे उन्होंने उसमें हमने देखा कि हमारे मेनली जो भी डोजेस फॉर्म है उससे रिलेटेड कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आए हुए हैं और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डीपीपी सेक्शन में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड वी कंटिन्यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।